नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग की लोच का अध्ययन कर रहे हैं। मांग की कीमत लोच का हम अध्ययन कर चुके हैं विस्तार से, उसकी श्रेणियों को, मांग की कीमत लोच का माप किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं और मांग की कीमत लोच क्या होती है। इसके बाद हमारी जो अगली जो मांग की लोच आती है वो आ जाती है मांग की आय लोच। सेकेंड जो इसका कंसेप्ट है मांग की लोच में, हम पढ़ रहे हैं मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आज हम अध्ययन करेंगे मांग की आय लोच का, आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है। इनकम इलास्टिसिटी देखिए, हमने कीमत लोच जो पढ़ी सेम लगभग उसके जैसा ही है, उसमें और इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। हम कीमत लोच के बारे में पढ़ते थे कि कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है या आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच कहते हैं। इसी प्रकार से इसमें क्या कहेंगे, आय में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, उपभोक्ता की आय में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को मांग की आय लोच कहते हैं। इस स्थिति में अन्य बातें जो अन्य तत्व हैं मांग के लोच को, मांग के नियम को प्रभावित करने वाले, जैसे संबंधित वस्तुओं की कीमत है, उपभोक्ता की रुचियां और अधिमान है, अन्य वस्तुओं की कीमत है, जो भविष्य के लिए प्रत्याशाएं हैं, ये सभी क्या रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। तो इसका आय का अर्थ यही है कि जो आय की लोच है कि मांग की उपभोक्ता की आय में, ये भी कोई कारण परिणाम की ही व्याख्या करता है। कारण परिणाम की व्याख्या किस प्रकार से करता है, क्योंकि आय में क्या हो रहा है, आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, इसकी व्याख्या करता है कौन सा नियम, ये आय लोच व्याख्या करती है। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन डिवाइड बाय प्रारंभिक मांग इनटू 100 डिवाइड बाय आय में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, आय में होने वाला परिवर्तन डिवाइड बाय प्रारंभिक आय और इनटू 100। इसको हम जो आय में मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन है इसको हम डेल्टा क्यू से दर्शाते हैं और इसको क्यू से दर्शाएंगे। आय में होने वाला परिवर्तन है इसको हम डेल्टा वाई से दर्शाते हैं, कई जगह डेल्टा आई मिलेगा आपको, डेल्टा वाई और आई कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसको हम वाई से दर्शाते हैं। अब देखिए, जब हम गणितीय सूत्रों में पढ़ते हैं तो 100 से ये 100 कट जाएगा क्योंकि एक दूसरे के डिवाइड में है। आगे आप देखिए, ये रह जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइड बाई डेल्टा वाई अपॉन वाई। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, ई वाई इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ई वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइड बाय डेल्टा वाई अपॉन वाई, और जब हम इसको विस्तार से देखेंगे आगे तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू वाई अपॉन डेल्टा वाई, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन क्यू। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमने इनकम इलास्टिसिटी को पढ़ा ऑलमोस्ट लगभग सेम है, सिर्फ यहां पर कीमत के बजाय क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। कीमत लोच और आय लोच में बस इतना ही अंतर है। आगे देखते हैं आय लोच की श्रेणियां क्या होती हैं, आय लोच को किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। आय लोच की श्रेणियां, आय लोच की मुख्य रूप से तीन श्रेणियां पाई गई हैं, पहला है धनात्मक आय लोच, और दूसरी है ऋणात्मक आय लोच, तीसरा है शून्य आय लोच। तीन श्रेणियां हम अध्ययन करेंगे। कीमत लोच की हम टोटल 5 श्रेणियां अध्ययन करते थे, इसमें हम आय लोच की 3 श्रेणियां पढ़ेंगे। आय लोच की श्रेणियां, देखिए आय लोच की श्रेणियों में सबसे पहली है धनात्मक आय लोच, धनात्मक आय लोच। धनात्मक आय लोच उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जब
एक उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ उसकी मांग मात्रा में भी क्या हो, वृद्धि होती हो, तो उस स्थिति में आय की लोच जो है धनात्मक होती है। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, मांग मात्रा में भी क्या होती है, वृद्धि होती हो, उस स्थिति में आय लोच जो होगी धनात्मक हो जाएगी। और धनात्मक आय लोच मैं आपको पहले बता के आ चुका हूं किस प्रकार की वस्तुओं में होती है, सामान्य वस्तुओं की स्थिति में आय लोच धनात्मक होगी, सामान्य वस्तुओं की स्थिति में। देखिए इसकी भी तीन उपश्रेणियां हैं, तीन उपश्रेणियों में पहला आ जाता है इकाई लोचदार, इकाई आयलोच। इकाई आयलोच में क्या होगा, जिस अनुपात में आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी उसी अनुपात में आय में वृद्धि इक्वल्स टू मांग मात्रा में वृद्धि। मतलब कहने का यह है कि अगर आय में 10% वृद्धि होती है तो मांग मात्रा में भी 10% ही वृद्धि होगी, उस स्थिति में आय लोच कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। तो इस स्थिति में जो मांग के अपना डायग्राम जो बनेगा वो मूल बिंदु की तरफ से निकला हुआ बनेगा और ये आपका डिमांड वक्र को दर्शाएगा। तो इस स्थिति में यहां पर मांग मात्रा हो जाएगी, मांग मात्रा है, इधर आपकी आय है, जैसे जैसे आय में वृद्धि होती जा रही है मांग मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इकाई लोच मांग हो जाएगी। दूसरी होती है जो होती है इकाई से कम, इकाई से कम मांग लोच। अब इस स्थिति में क्या होगा, आय में जो प्रतिशत वृद्धि होती है, प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहे हैं, मांग मात्रा में होने वाली प्रतिशत वृद्धि, अब इस स्थिति में आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि जो है, प्रतिशत वृद्धि वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन मांग मात्रा में होने वाली प्रतिशत वृद्धि, मांग मात्रा में प्रतिशत वृद्धि। तो इसका मतलब यह है कि आय में जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो मांग मात्रा में होने वाली प्रतिशत वृद्धि से अगर अधिक है तो मांग की लोच इकाई से कम हो जाएगी। इस स्थिति में क्या होगा कि जैसे सपोज करो एक वस्तु की आय में 20% वृद्धि होती है, उसके परिणाम स्वरूप कीमत में मांग मात्रा में केवल 10% वृद्धि होती है, तो इस स्थिति में आय लोच है जो इकाई से कम होगी। और तीसरी जो इसकी उपश्रेणी आती है वो जाती है इकाई से अधिक, इकाई से अधिक। इसमें विपरीत हो जाएगा, आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि जो है, आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी, लेस देन मांग मात्रा में होने वाली प्रतिशत वृद्धि, मांग मात्रा में होने वाली प्रतिशत वृद्धि। इससे सिद्ध होता है कि अगर आय में सपोज करो, अब मैं इन दोनों तीनों की बता रहा हूं, इधर गणितीय रूप में बताऊंगा, इधर मैंने आपको थ्योरेटिकली बता दिया है, आय में अगर 20% के बराबर वृद्धि होती है तो मांग मात्रा में 40% के बराबर वृद्धि होगी, या फिर हम उसको उल्टा भी कह सकते हैं, अगर आय में 10% वृद्धि होती है उसका परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में ज्यादा वृद्धि होती हो तो उस स्थिति में इकाई लोच अधिक होगी। जैसे सपोज करो मैंने लिया था EY = आय इकाई लोच, आय में वृद्धि जो होगी मांग मात्रा में होने वाली प्रतिशत वृद्धि के बराबर होगी, माना कि 10% कीमत में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में भी 10% वृद्धि होती है तो इस स्थिति में इकाई के बराबर लोच हो जाएगी। माना कि हम आय लोच की बात कर रहे हैं, आय लोच में होने वाली वृद्धि ग्रेटर देन मांग मात्रा में होने वाली प्रतिशत वृद्धि, 100% वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप, या फिर कह सकते हैं हम आय में 20% वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में केवल मात्र 10% वृद्धि होती है तो ये 1/2 विच इज लेस देन 1 इकाई से कम हो जाएगी। और तीसरी जो हमारी उपश्रेणी है इस, ये कहती है कि आय में अगर 10% वृद्धि होती हो तो मांग मात्रा में डबल मात्रा में ज्यादा मात्रा में वृद्धि हो, माना कि आय में केवल 10% वृद्धि होती है उसके परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में 20% वृद्धि होती है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ग्रेटर देन इकाई, इकाई से अधिक हो जाएगी। इस प्रकार से हम आय लोच की गणना करते हैं, आय लोच कौन सी वाली, धनात्मक आय लोच, सबसे पहली जो है धनात्मक आय लोच, इसकी तीन उपश्रेणियां, इकाई से कम, इकाई से अधिक और इकाई के बराबर। तो आय लोच की धनात्मक आय लोच जो है सामान्य वस्तुओं की स्थिति में होती है, इस चीज को आप ध्यान करिएगा क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और हर जगह कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सामान्य वस्तुओं के लिए आय लोच किस प्रकार की होती है। चलिए आय लोच की दूसरी जो श्रेणी आ जाती है वो आती है ऋणात्मक आय लोच, इसको मैं साफ कर देता हूं,
ऋणात्मक आय लोच मुख्य रूप से पूरक वस्तुओं की स्थिति में देखने को मिलती है, और इस स्थिति में जब आय में वृद्धि होती है तो मांग मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और इस स्थिति में आय लोच जो है ऋणात्मक हो जाती है। ऋणात्मक आय लोच, ऋणात्मक आय लोच, और ऋणात्मक आय लोच ये होती है जो पूरक सॉरी निम्न कोटि की वस्तुओं की स्थिति में, निम्न कोटि की वस्तुओं की स्थिति में, निम्न कोटि की वस्तुओं की स्थिति में क्या होती है, ऋणात्मक आय लोच होती है, और इस स्थिति में जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो मांग मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और इसका जो मांग वक्र बनता है इसे हम क्या कहेंगे, वो नेगेटिव स्लोप्ड मांग वक्र बनेगा। इसमें जो धनात्मक आय लोच था, धनात्मक स्लोप वाला था, इसमें क्या होगा, नेगेटिव स्लोप्ड मांग वक्र बनेगा। इधर अपनी आय आ जाएगी, इधर अपना मांग मात्रा आ जाएंगी, और ये अपना ओरिजिन बिंदु है, ये आपका मांग वक्र है, और ये किस प्रकार की वस्तुओं की स्थिति में है, निम्न कोटि की वस्तुओं की स्थिति में मिलेगा। तीसरा आ जाता है शून्य आय लोच। शून्य आय लोच का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार आय में किसी भी हद तक वृद्धि हो जाए, मांग मात्रा पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा है बेलोचदार आय लोच या शून्य आय लोच। शून्य आय लोच की स्थिति में उपभोक्ता की आय चाहे जितनी बढ़ जाए और चाहे जितनी घट जाए, इससे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और आय है जो EY = 0 के बराबर हो जाएगी। इधर मांग को ले लेते हैं, इधर एक्स है, उपभोक्ता की आय बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ना उपभोक्ता वस्तु की मांग मात्रा पर, तो इस स्थिति में आय लोच जो है शून्य हो जाती है। तो इस प्रकार से आय लोच की मुख्य रूप से तीन श्रेणियां हैं, और आय लोच को हम इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। आय लोच के बाद जो आखिरी आ जाता है वो होती है मांग की आड़ी लोच। मांग की तीन लोच के बारे में हम अध्ययन करने वाले थे, दो के बारे में कर चुके हैं, जो लास्ट है इसका वो है मांग की आड़ी लोच। और आड़ी लोच क्या होती है, एक वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को क्या कहेंगे, मांग की आड़ी लोच कहते हैं। आय लोच के बराबर अब आ जाता है आड़ी लोच, और इसको हम कह सकते हैं क्रॉस प्लास्टिसिटी। क्रॉस प्लास्टिसिटी क्या होगी, इसका अर्थ है कि एक्स वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वाई वस्तु की मांग मात्रा में, वाई वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, एक्स वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वाई वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन क्या कहलाएगा, ये मांग की आड़ी लोच कहलाएगा। इसका हम जो सूत्र है इस प्रकार से कह सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू पी एक्स अपॉन पी वाई, सॉरी इसको इस तरह से नहीं, इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं हम, एक्स वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वाई वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। तो हम कह रहे हैं कि कारण किसका पड़ा है, एक्स वस्तु की कीमत का, और प्रभाव किस पर पड़ा है, वाई वस्तु पर। तो प्रभाव पड़ा है जो ऊपर आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं वाई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड बाय एक्स वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वाई की प्रारंभिक कीमत, वाई की प्रारंभिक कीमत, या इसको नहीं, वाई की कीमत में परिवर्तन डिवाइड बाय y की प्रारंभिक कीमत डिवाइड बाय 100 और डिवाइड बाय x की मांग मात्रा में परिवर्तन
डिवाइड बाय प्रारंभिक मांग डिवाइड बाय 100। इसको आप देख सकते हैं, पहले हम सॉल्व करके आ चुके हैं। वाई की कीमत परिवर्तन को अपन डेल्टा पी से दर्शा सकते हैं, इसको प्रारंभिक कीमत है तो पी से दर्शा सकते हैं, ये डेल्टा पी वाई और ये पी वाई, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये डेल्टा क्यू एक्स और इसको अपन क्यू एक्स के माध्यम से दर्शा सकते हैं क्योंकि एक्स की मांग है। तो अब हमने ये सो से ये सो कट जाएगा, आप देखेंगे डेल्टा पी वाई अपॉन पी वाई इंटू डेल्टा क्यू सॉरी डिवाइड बाय डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स, और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा पी वाई अपॉन डेल्टा क्यू एक्स, जब आगे सोल्व करेंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा इंटू डेल्टा क्यू एक्स सॉरी क्यू एक्स अपॉन पी एक्स। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम क्रॉस इलास्टिसिटी देखते हैं तो सूत्र हमारा जो काम में आएगा डेल्टा पी वाई अपॉन डेल्टा क्यू एक्स इंटू क्यू एक्स अपॉन पी वाई, इस सूत्र का आपको ध्यान में रखना है, इस सूत्र के आधार पर हम इसको हल कर सकते हैं। अब आरडी लोच है उसकी हमारे सामने श्रेणियां आएंगी, तीन प्रकार होते हैं, एक तो होता है धनात्मक आड़ी लोच, एक होता है ऋणात्मक आड़ी लोच, एक होता है शून्य आड़ी लोच। धनात्मक आड़ी लोच किन वस्तुओं के लिए होती है और ऋणात्मक आड़ी लोच किन वस्तुओं के लिए होती है, अभी अपन देख लेते हैं। धनात्मक आड़ी लोच का मतलब यह है कि अगर x वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो y वस्तु की मांग मात्रा में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, मांग की आड़ी लोच को धनात्मक आड़ी लोच कहेंगे। देखिए सबसे पहला है धनात्मक आड़ी लोच, धनात्मक आड़ी लोच जब x वस्तु की कीमत प्राइस ऑफ x इज इंक्रीजेस देन क्वांटिटी ऑफ y इज इंक्रीजेस, मतलब x वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर y वस्तु की मांग मात्रा में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो ऐसी स्थिति हमेशा हमें किन वस्तुओं की स्थिति मिलती है, प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में, प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में मांग की आड़ी लोच जो है की स्थिति में, प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में मांग की आड़ी लोच है जो धनात्मक होती है। और आप देख सकते हैं कि जब हम चाय और कॉफी की बात करते हैं, चाय और कॉफी अगर इसकी प्राइस में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है, तो इसकी जो क्वांटिटी है डिमांड है वो भी बढ़ जाती है, और इनकी स्थिति में जो मांग वक्र बनता है हमारा वो धनात्मक मांग वक्र बनता है। इधर हम क्या करते हैं, मांग को ले लेते हैं, इधर कीमत को लेते हैं, और चाय और कॉफी की अलग अलग मांग और कीमत है। जब एक वस्तु की कीमत में क्या हुई, वृद्धि हो जाती है, दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो इस प्रकार से हम धनात्मक मांग वक्र की अगर निर्धारण कर सकते हैं। दूसरा है ऋणात्मक आय लोच, ऋणात्मक आय लोच, ऋणात्मक आय लोच का मतलब यह है कि अगर x वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो y वस्तु की मांग मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस स्थिति में दोनों में विपरीत संबंध होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं पूरक वस्तुओं की स्थिति में अगर पेट्रोल के दाम में वृद्धि होती है तो कार की जो बिक्री है उसमें कमी हो जाती है। तो मांग की धनात्मक लोच है जो मिलती है हमेशा पूरक वस्तुओं की स्थिति में, पूरक वस्तुओं की स्थिति में, पूरक वस्तुओं की स्थिति में आड़ी लोच है जो ऋणात्मक होती है। और तीसरी होती है वो शून्य आड़ी लोच होती है, शून्य आड़ी लोच, शून्य आड़ी लोच की स्थिति में क्या होगा, शून्य आड़ी लोच की स्थिति में वस्तुओं के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होगा, एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि हो या कमी हो उसकी वाई वस्तु पर जो मांग मात्रा है उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि वस्तुओं में कोई संबंध नहीं पाया जाता है, वस्तुओं में कोई संबंध नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मांग की लोच मुख्य रूप से कीमत लोच, आय लोच और आड़ी लोच, तीनों प्रकार की लोच का हम अध्ययन कर चुके हैं, और तीनों के आधार पर हमने ये भी पाया है कि किस प्रकार की वस्तुओं की स्थिति में आड़ी लोच कैसी होगी,
कीमत लोच कैसी होगी, आय लोच कैसी होगी, और वो सारी अपन ने डिटेल से विस्तार से चर्चा कर ली है और अपना मांग की लोच का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपके सामने लेकर के आएंगे अगली यूनिट का अगला टॉपिक और अपन उसको विस्तार से पढ़ेंगे। अगर अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो पुराने वीडियोज़ को भी एक बार फॉलो कीजिए, उनको अच्छे से देखिए, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। नमस्कार।